तो उसने जिला शिक्षा पदाधिकारी जी को बोलिए ना, वो तो आए और डीओ साहब बंद करके गाड़ी में बैठ करके चले गए। वो क्या किए, आज भी उनको डिसमिस करने आए, जब उनको पता है कि कुछ नहीं जानते हैं तो उनको डिसमिस करने क्यों नहीं आए वो है? क्यों नहीं आखिरकार आए बताइए। कितना भी मेरिट रहे, उस शिक्षक जो है ना उस पर बिना कड़ाई वाले कोई उपाय नहीं है। कड़ाई जब तक नहीं होगा वो आवेगा, कितना पढ़ल रहेगा, कितना उसका डिग्री तेज का रहेगा, वो आराम से आकर के कुर्सी डटरी करेगा। कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, सब चाहता है कि आराम से शिक्षा बर्बाद हो। मीडिया वाले भाई वहाँ पर गए हैं तो उनसे पूछेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ये सब हमको बताया नहीं गया, अब वो सरों को नहीं आता बताइए। तो कम से कम पढ़ाना नहीं चाहते तो हमको तो कम से कम आप तो खुद तो जानिए ना भाई, जब आपको पता है कि न्यूज में आपका चर्चा चल रहा है तो कम से कम याद तो करके आते, तो कम से कम हम लोग को बता तो पाते ना, अभी उसे दो दिन बैठा रहता है। लेकिन हम सरकारी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हमको सैनिक स्कूल चाहिए। हम आपको प्राइवेट स्कूल में हम लोग सब मिल करके प्राइवेट हम लोग सहयोग देंगे आपको। प्राइवेट स्कूल में आप लोग सहयोग कब तक देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे जब तक वो सहयोग देंगे, उसके बाद जब वो उनका कुर्सी अगर छीन गई तो फिर कहाँ हम लोग जाएंगे बताइए। माननीय मुख्यमंत्री सहयोग थोड़ी ना देंगे बेटा, सुनो हम लोग सब बिहार के जनता सहयोग देंगे। आप पढ़ना चाहोगे सब हमको पटना के सब टीचर देंगे। हम बोले ना हमको केंद्र विद्यालय में जाना है, वो भी जो कि सैनिक हम जानते हैं कि उनमें उसमें अच्छा है एक चीज का, बहुत ही अच्छा उसमें पढ़ाई होता है, इसलिए हम उसमें जाना चाहते हैं। और हमको कुछ नहीं बोलना है, बस सरकार वाला में नहीं, आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्या गड़बड़ी है? उसमें सब उसमें दो महीना आप समझा कर जाइएगा फिर वही बात आवेगा, कोई नहीं सुधरने वाला है, हमको पता है सुधरेगा फिर वही बात क्या आवेगा, तो फायदा क्या है उससे, फायदा कुछ है? इससे बढ़िया और उसी रहने दीजिए, और उसी रहने दीजिए फिर देश गुलाम होगा। सोनू एक बात बताओ बेटा, अगर तुम प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे तो तुम्हारे जैसा जैसे लाखों सोनू इस बिहार में है उनको कहाँ से मिलेगा अच्छा शिक्षा? क्या उसके लिए हम संघर्ष नहीं करते? तो उनके लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं तो हमको बढ़िया रोक लगाते हैं कि तुम पढ़ने नहीं आता है, तो संघ आरोपो लगाते हैं, फिर कहते हैं उनको खुद तो आता नहीं है, आरोप भी लगाते हैं, बताइए सब का मन है वह करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, तो तुम उसको लाखों सोनू के लिए संघर्ष नहीं करोगे, सरकारी विद्यालय को नहीं सुधरवाओगे, वहाँ अच्छा व्यवस्था तो उसने जिला शिक्षा पदाधिकारी जी को बोलिए ना, वो तो आए और डीओ साहब बंद करके गाड़ी में बैठ करके चले गए। वो क्या किए, आज भी उनको डिसमिस करने आए, जब उनको पता है कि कुछ नहीं जानते हैं तो उनको डिसमिस करने क्यों नहीं आए वो है? क्यों नहीं आखिरकार आए बताइए, जवाब चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जवाब तुमको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।